रसूल करीम औरजीम बसमीम इन्सान का ये साबित है कि रमज़ान का महीना है और हम निस्फ से कुछ ज़ायद गुजार भी चुके हैं। कुरान ने जब रोज़े के हुक्म दिया और उस तसलसल में ये आयत आई है कि कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलैना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसी तसलसल में कुरान कहता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहर फ़ल्यसुम। इस आखिरी जुज़ में आयत की अल्लाह ताला इस बात का एक बहुत लतीफ़ इशारा देता है कि तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसको चाहिए कि वो रोज़ों का इस्तेमाल करे। और रोज़ा जो है इबादत की एक बहुत ही खूबसूरत इंतहा है जिसमें कि अल्लाह को मानने वाले को इस बात का मौका होता है कि वो छुप कर ही बहुत चीज़ें कर लें। लेकिन हमारे बच्चे भी जो है जब रोज़ा रखते हैं और हलफ खुश हो जाता है, कांटे पड़ते नजर आते हैं, हमारा बच्चा भी छुप कर पानी नहीं पीता। इसलिए कि तरबियत उसको इस बात की दी जाती है कि अल्लाह तुमसे जो चाहता है वो करो, तो जो चीज़ उसने मना किया है उससे रुक जाओ, लेकिन जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है उसको खूब से खूब अंदाज से करो। यहाँ तक के वक्त पड़ता है तो ऐसी सूरत में तुम जायज़ चीज़ों से भी रुक जाओ, भूख से, अपनी प्यास से, अपनी ज़रूरतों से रुक जाओ। असल में यह कुरान जिसके क्या आगाज़ इससे होता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, उससे आगे अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तुम्हारे लिए ऐसी गाइड बुक है कि अगर तुमने इसको अडॉप्ट कर लिया तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बच जाएगी। उधर ले लेता हूँ। और तकवा क्या है इसमें, यानी हिदायत या रहनुमाई से फ़ायदा कौन उठा सकता है? जो मुत्तक़ी है। और तकवा क्या है? तकवा ये कि जो अल्लाह चाहता है वो करो और जो अल्लाह नहीं चाहता वो मत करो। लेकिन यहाँ तसव्वुर इबादत में एक खलिश जो मुझे होती है वो ये होती है कि दुनियावी तौर पर यही वो गाइड बुक है जिसकी बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा माशरा खड़ा किया कि चंद सालों में वो माशरा जो है दुनिया की सबसे उभरती हुई ताकत बना। वो ताकत ऐसी बढ़ती चली गई, ऐसी बढ़ती चली गई कि सदियों तक के मुसलमान मालूम दुनिया की अगालिब होकर थे। और ये सदियों को बहुत पुरानी बात नहीं है, बल्कि अभी तो हम 2024 में आए, अब से 100 साल पहले के करीब हम याद करें अगर तो वो जो 1919 है जो आपके खिलाफत मूवमेंट की तारीख है, तब तक जो है तुर्की में खिलाफत थी, तुर्की में गलबा था, तुर्की में इक़्तिदार था, तुर्की में ज़रूरत थी, तुर्की में इज़्ज़त थी। और सिर्फ तुर्की जुरिडिक्शन में नहीं थी, बल्कि जैसे मैंने कहा मालूम दुनिया में ईरान में सफ़ी थे, बरसगीर में मुग़ल थे और तुर्क पेशतर इलाके पर तसल्लुत रखते थे। इसका आगाज़ वहाँ से हुआ है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात की दावत पेशी की आई उन्नास और ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ये कलमा तुमको याद रहता है कि लोगों अल्लाह पर ईमान लाओ, मान लो कि तुम्हारा अल्लाह ही तुम्हारा रब है। ये मान लेना, ये ईमान, ये कहता है कि इसके नतीजे में उनको कामयाबी से भर दिया जाएगा। वो कामयाबी की जो तौजी और ताबीर और तौजी है वो ये सारी वसत है, वो सारी इज्जत है, वो सारा इक़्तिदार है। और ये इक़्तिदार भी ऐसे जानिबदाराना नहीं कि इस्लाम जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए आया, बल्कि ये क़दरें इस कुरान में है। इस कुरान से इंसानियत सैराब होती है, सैराब होती है। तो इसलिए अगर हम उस रेफरेंस को भी अगर मरतबा देख लेंगे, जब वही का शुरू में सिलसिला रहा और उसके बाद रुक गई, जब वही रुक गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत के बारे में सीरत में ये बात आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे अगर ये गाइडेंस नहीं है तो फिर जीने की क्या ज़रूरत है, फिर क्या जीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे फिर तो अपने आप को हलाक कर देना चाहिए। वो जो इस्तिराब है, वो इस्तिराब जो है बुनियादी तौर पर वो नहीं है जो किसी आदमी को तन्हाई में ले जाता। वो इस तरह वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर गार सौर में बैठते थे और वहाँ से जो आप निकलते थे, तो वो जो गार से निकलना और उसके बाद यहाँ आना, इस दुनिया को आबाद करने के लिए, इस दुनिया को संवारने के लिए, इस दुनिया को जो है तरक्की से, इस दुनिया को अदल से, इस दुनिया को इंसाफ से, इस दुनिया को वसाइल से भर देना है। आप बहुत वाज़े तौर पर कुरान की ओर जो रेफ़र करते हैं, ये कुरान पढ़ाया क्यों जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो सबक को ताज़ा करें। ये तरावी इसीलिए है। उसने वाज़े तौर पर कहा कि इस किताब का मानने वाला उसका मनसबी खिलाफत है। जब आदम का तारुफ करवाया गया तो कहा कि मलाइकत खलीफा, हमने तुमको ऑर्डनरी लाइफ गुजारने के लिए नहीं पैदा किया। तुम उस अल्लाह पर यकीन रखते हो तो अल्लाह इतनी ताकतों, इतनी क़ुव्वतों, इतने वसाइल वाला है कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो लोग अल्लाह को मानते हों उनकी शान ही कुछ और होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो साथी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए, इसी किताब की बुनियाद पर उनको संवारा। संवारा तो ऐसे समय कि उन्होंने दुनिया को संवार दिया। और ये किताब का वो पहलू, हम जिस किताब को चाहते हैं, वो किताब जो मतलूब है, वो नहीं है कि हमारे सजदे अल्लाह को मतलूब है। इसलिए जहाँ पर खिलाफत का कहा है, वही इश्काल तो फरिश्तों ने पेश किया था, तजुर्फी हमारी सलूकी हवाले से करते हैं। आप ऐसे को बना रहे हैं जो फसाद पैदा करेगा, ना उस सब जो हम देखो नौकद सुनक आइए तो दुनिया में आएगा तो बहुत तोड़ फोड़ करेगा। और दुनिया का इस कानत का मिजाज तो इताअत ऐसे ही कोई उससे अक्सर में इनहराफ नहीं कर सकता। हम तो सजदे कर रहे हैं, हम तस्बीह कर रहे हैं, हम तमीज़ बयान कर रहे हैं, और ये इंसान जिसको तो बना रहा है इसमें तो अजीब सी सलाहियत है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने इन बातों को वाज़ेह करते हुए वलक़द कररमना बनी आदम, हमने इसको सिर्फ ऐसे ही बना दिया, बल्कि हमने इसको तकरीम इसलिए बख्शी, इसमें हमने वो इल्म, वो रिसर्च, वो जस्तजू, वो परफॉर्मेंस, वो तहम्मुल पैदा करने के लिए बनाया जो इस दुनिया में खुशकी और तरी को भी मुसखर कर करम बनी आदम और हमल्ला फिल बर्र वल बहर। और अल्लाह का खलीफा उस सलाहियत का होगा कि वो जो है सिर्फ खुशकी पर नहीं, और हमल्ला फिल बर्र वल बहर, वो तो फ़ज़ाओं में, वो तो पानियों में, वो जहाँ चाहेगा वो तसरुफ़ करेगा, इसलिए अल्लाह का खलीफा है। ये इस्तिदाद पैदा करने का जो विजन है, उसका जो हुनर है, उसका नाम कुरान है। और उसी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत को उठाया, उस उम्मत से कहा कि हम तुमसे सिर्फ सजदे नहीं चाहते, हम तुमसे जो है ऐसा नहीं चाहते कि तुम दुनिया को तज दो, हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, और जो हमारे पास आएगा तो हम उसको हर सलाहियत से संवार देंगे, उसकी इल्मी सलाहियत बढ़ा देंगे, उसकी माशी सलाहियत बढ़ा देंगे, उसकी माशरती सलाहियत बढ़ा देंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जिसमें कि वो इमामत के मनसब पर ना हो। इसलिए दीन की ये ताबीर जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम इस कलमे को मान लो और अब पर तुम्हारी हुक्मरानी हो, रजम तुम्हारा बाज गुजार हो। ये तुम्हारा तसव्वुर नहीं है। हमारे सारे सजदे, हमारे सारे क़ियाम अगर हमको इज्जत ना देते तो कहीं ना कोई कसक है जिसको हमको हम समझना नहीं चाहते, वरना यही वो नुस्खा है जिसकी बुनियाद पर कौम जब खड़ी की गई तो फिर सदियों तक उनको कोई फिर ज़हन नहीं कर सकता। इस दुनिया को मुसखर करने की इस्तिदाद उन्हीं के पास थी, लेकिन जब कुरान उनके हलक से नहीं उतरा और वो उसको रस्मी तौर पर लेने लगे, तो आज नौयत यह है कि इसी कुरान के हामिली दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा मजलूम, कहना भी जुल्म है, बल्कि सबसे ज़्यादा दरमादा हो। उनके पास वसाइल हैं, उनको शऊर नहीं, उनका एक मकाम है, उनको इदराक नहीं है। तो जो लोग अपने मकाम का इदराक न करें वो और कौमों को कैसे राब करें? इसलिए कुरान ने इस बात का सबक भी याद दिलाया है, तुम खैर अम्मा, तुम अपने आप में इतने पोटेंशियल को डेवलप करो कि तुम्हारे पोटेंशियल के नतीजे में दीगर कौमें सैराब हो सकें। तुम खैर अम्मा उखरिजत लिन्नास, तुमको सारी कौमों को सैराब करने के लिए भेजा गया है, तुमको उनके आगे हाथ फैलाने के लिए, समीगो होने के लिए, जलील होने के लिए, डिपेंड होने के लिए नहीं बनाया गया। इस जिल्लत से उठने का नाम या उसका ज़रिया या उसका सेंस वो कुरान है। और इस रमज़ान में हमको अल्लाह ने मौका दिया है, हमको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, इसकी जस्तजू करना चाहिए कि अल्लाह हमको वो भी विजन दे जो अल्लाह के रसूल को दिया था, अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को दिया था। और वो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काया पलट दी थी, तो उस वक्त की सुपर पावर्स टॉपल हुई थी, और वो सहरा के बद्दू और जट क़ुरैश वो दुनिया के इमाम बने थे। हम अल्लाह से इसी बात पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस किताब का वो सेंस, उस पर अमल दरामद करने की सलाहियत तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व आखिरु दअवाना।